गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू पेंडलम ईडीयू। पेंडलम ईडीयू पे आप सभी का स्वागत है गाइस। और आज के सेशन में हम लोग डेली करंट अफेयर्स पढ़ेंगे ऑफ 30 जुलाई 2021। तो जल्दी सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए। एंड गाइज मुझे एक बार कन्फर्म कर दीजिए कि आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है। आई होप आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही होगी। तो हमारे साथ कौन कौन जुड़ चुका है, वी हैव विद अस प्रवीण, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनूप, गुड मॉर्निंग प्रियांशी, हैव अ नाइस डे। गुड मॉर्निंग तानिया, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग सेशन की। सो मैं फिर से याद दिला दूं कि जो हाफ ईयरली करंट अफेयर्स की जो बुक है जनवरी से जून तक के करंट अफेयर्स टॉपिक वाइज कवर्ड है वो आपकी आ चुकी है। दिस इज़ अवेलेबल इन इंग्लिश एज वेल एज इन हिंदी। इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल है। इसके अलावा जो आपकी क्वेश्चन एंड आंसर्स करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन आंसर जो की जो बुक है स्कोर बूस्टर है ये भी आपकी आ चुकी है। दिस इज़ ऑल्सो अवेलेबल इन इंग्लिश एज वेल एज इन हिंदी। इसमें आप पेंडलम ईडीयू कोड लगाएंगे तो आपको 20% ऑफ मिलेगा। यहाँ पर आप PC25 कोड लगाएंगे मेरे नाम का तो आपको 25% ऑफ यहाँ पर मिल जाएगा। सो गाइज आज ही इन बुक्स को परचेज करिए। 1800 प्लस क्वेश्चन हैं इसमें जो कि आपके अपकमिंग जो वन डे एग्जामिनेशन है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो गाइज आज ही इसको परचेज करिएगा। जिन लोगों ने भी परचेज किया है सो दे आर हैप्पी विद दैट, तो आप भी इसको ज़रूर परचेज करिए। प्रतीक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, गुड मॉर्निंग प्रतीक, वेरी गुड मॉर्निंग। सो आज का वर्ड ऑफ विजडम देखते हैं, लाइफ इज़ अ क्वेश्चन एंड हाउ वी लिव इट इज़ आर आंसर। तो जो लाइफ है जो जिंदगी है वो एक सवाल है और कैसे हम इसको जीते हैं वो हमारा उसके लिए जवाब होगा। तो अपने जीवन को जो है बहुत अच्छे तरीके से जिए ताकि आप अपनी लाइफ को डिफाइन कर सकें। तो चलिए इतने सुंदर वर्ड ऑफ विजडम के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं अपनी सुंदर सी सुबह की। सो पहले हम प्रीवियस डे का रिविजन करेंगे फिर हम आज के करंट अफेयर्स देखेंगे। सो वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन डैश। विश्व हेपेटाइटिस दिवस हर साल डैश को मनाया जाता है। 27 जून, 28 जुलाई, 23 जून एंड 27 अप्रैल बताएंगे वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। सो हेपेटाइटिस आपका एक वायरल डिजीज़ है एंड इसके काफ़ी अलग अलग जो है वेरियंट्स हैं। हेपेटाइटिस ए है, बी है, सी है। तो इसमें बी और सी जो होते हैं ये मैक्सिमम डेथ्स के कॉज हैं। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, दैट इज़ 28 जुलाई। येस प्रवीण, राइट बी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। प्रियांशी, तान्या, राइट ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, वेरी गुड। येस अनूप, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन ए नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, गवर्नमेंट विल सेट अप नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स गेमिंग एंड कॉमिक्स इन कोलैबोरेशन विद डैश, आईआईटी बॉम्बे, सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट, टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। बताएंगे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, दैट इज आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे के साथ मिलकर ये नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एनिमेशन इसको जो है गवर्नमेंट सेटअप करेगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यस तान्या, प्रियांशी, प्रवीण, प्रतीक, राइट ऑप्शन ही करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द हड़प्पन सिटी हैज बीन इंस्क्राइब्ड ऑन यूनेस्को'स वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। किस हड़प्पा शहर को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है, आलमगीरपुर, धोलावीरा, लोथल एंड रोपड़। बताएंगे, बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका। सो यस राइट, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, दैट इज धोलावीरा। धोलावीरा आपकी एक इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है, हड़प्पन साइट है एंड इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में दर्जा मिल चुका है। ये हमारी 40th साइट है जो ऐड हुई है। तो टोटल अब 40 साइट्स हो गई जिसमें 32 आपकी कल्चरल हैं, इसके अलावा आपकी 7 नेचुरल हैं एंड 1 आपकी मिक्स साइट है। इससे पहले जो एडिशन हुआ था वो आपका था रमप्पा टेम्पल, जिसको रुद्रेश्वर टेम्पल के नाम से भी जानते हैं। कहाँ पर है ये, तेलंगाना में लोकेटेड है, ठीक है। सो राइट अनूप, प्रवीण, राइट सबका करेक्ट आंसर है, वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, इंदिरा 2021 एक्सरसाइज जो कि कंडक्ट होगी 1 से 13 अगस्त के बीच में वोल्गोग्राड में। सो ये आपका कौन सा एडिशन है इंडिया रशिया ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का, 10th, 11th, 12th एंड 13th। बताएंगे इंदिरा एक्सरसाइज इंडिया और रशिया के बीच में ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, इस बार 2021 में इसका कौन सा संस्करण होगा। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, दैट इज 12th, ठीक है, 12वां संस्करण होगा। यस तान्य, राइट ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखेंगे, रिसेंटली पेसियो डेल प्राडो एंड ब्यून रेटिरो पार्क ऑफ डैश हैव बीन एडेड टू यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट।
तो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में कहाँ के पेसो डेल प्राडो और ब्यून रेटिरो पार्क जो है इसको ज्वाइन किया गया है। एडवाइस में ईरान, स्पेन, इटली एंड जापान। सो करेक्ट आंसर सर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, दैट इज स्पेन। स्पेन में भी मैड्रिड जो इसकी कैपिटल है वहाँ पर ये लोकेटेड है, याद रहेगा सभी को। चलिए इसके अलावा ईरान की जो ट्रांस रेलवे है वो भी आपका ऐड हो चुकी है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में। यस राइट, करेक्ट आंसर है प्रतीक, प्रियांशी, तान्या, यस प्रवीण, राइट। नेक्स्ट देखिए, हु हैज टेकन ओथ एज द 23rd चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका, कर्नाटक के 23वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? नलीन कुमार कटेल, एम सरवणा एंड बसवराज बोमई एंड के आर पुरा, बताएंगे। सो पहले जो चीफ मिनिस्टर थे कर्नाटक के काफ़ी लंबे समय से थे बी एस येदुरप्पा, उन्होंने रेजिग्नेशन सौंप दिया एंड उसके बाद जो है जो गवर्नर है कर्नाटका के करेंटली कौन है, थावरचंद गहलोत, तो उन्होंने कर्नाटका के नए चीफ मिनिस्टर को ओथ दिलाई। सो ये करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, दैट इज बसवराज बोमई। यस प्रियांशी राइट, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। तान्या राइट, प्रतीक ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यस प्रवीण राइट, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, हु इज अपॉइंटेड एज द न्यू दिल्ली पुलिस कमिश्नर, दिल्ली के नए पुलिस आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राकेश अस्थाना, कुलदीप सिंह, ए के माथुर एंड जे एन चतुर्वेदी, बताएंगे। न्यू दिल्ली पुलिस कमिश्नर के तौर पर किसको अपॉइंट किया गया है गाइस? राकेश अस्थाना, कुलदीप सिंह, ए के माथुर एंड जे एन चतुर्वेदी, बताइए। सो राइट, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज राकेश अस्थाना। प्रियांशी, प्रतीक, राइट, तान्या, प्रवीण, राइट, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। तो राकेश अस्थाना जो है ये अभी डायरेक्टर जनरल ये जो है बी एस एफ के थे, ठीक है। तो राकेश अस्थाना जो थे ये डायरेक्टर जनरल थे दिल्ली पुलिस कमिश्नर के एंड इससे पहले ये जो करेंटली अगर हम देखें तो ये बीएसएफ के भी डायरेक्टर जनरल हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चले आगे, यस तान्या, अनूप राइट, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट मरीन एड्स टू नेविगेशन बिल 2021? तो ये लाइट हाउस एक्ट 1927 को रिप्लेस करेगा एंड द एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ लाइट हाउस एंड लाइट शिप, दिस इज गवर्न बाय लाइट हाउस एक्ट ऑफ 1927 फॉर सेफ नेविगेशन। सो वन ओनली, टू ओनली, बोथ, वन एंड टू एंड नन ऑफ द अबव, बताएंगे। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा, दैट इज बोथ वन एंड टू, दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। तो ये जो नया मरीन एड्स नेविगेशन बिल लाया गया है इसमें क्या है कि जो पुराने कॉलोनियल लॉज हैं उनको ख़त्म करने की बात की जा रही है और जो अपने लॉज बनाए जाएंगे वो आज के समय के हिसाब से उनको बनाया जाएगा। सो यस प्रवीण, तान्या, प्रतीक, राइट, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च देवारण्य योजना फॉर इम्प्रूविंग द लाइवलीहुड एंड हेल्थ ऑफ ट्राइबल्स? अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट, असम गवर्नमेंट एंड मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। देवारण्य योजना किसने स्टार्ट की है? सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, दैट इज मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा ये शुरू की गई है। यस तान्या राइट, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रियांशी राइट, प्रवीण, यस ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द लैंड बॉर्डर डिस्प्यूट बिटवीन असम एंड मिजोरम? असम और मिजोरम के बीच में एक जो है बाउंड्री डिस्प्यूट को लेकर, लैंड बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा था, एक झड़प चल रही थी उसको लेकर। सो मिजोरम ने 1933 में जो बाउंड्री डिमार्केशन हुआ था बिटवीन लुशाई हिल्स, छाछा डिस्ट्रिक्ट एंड मणिपुर, इसको एक्सेप्ट कर लिया था एंड बोथ स्टेट्स उन्होंने एक एग्रीमेंट को साइन किया ताकि यथास्थिति बनी रहे, स्टेटस क्यो मेंटेन रहे। सो वन ओनली, टू ओनली, बोथ, वन एंड टू एंड नन ऑफ द अबव। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, दैट इज टू ओनली, क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला गलत है। मिजोरम ने ये 1933 बाउंड्री डिमार्केशन को एक्सेप्ट नहीं किया था, ठीक है। सो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यस प्रियांशी राइट, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। तान्या राइट। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बिकम द फर्स्ट सिटी इन द कंट्री टू प्रोवाइड 24 आवर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द टैप? जिनमें से कौन नल से 24 घंटे गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने वाला देश का पहला शहर बन गया है? चेन्नई, पुरी, पुणे एंड हैदराबाद, बताएंगे। फटाफट से कमेंट करिए करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बताइए।
यस सर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, ऑप्शन बी, दैट इज पुरी. पुरी विल बी द करेक्ट आंसर. यस प्रियांशी, प्रवीण, यस प्रतीक, तान्या, राइट, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है. वेरी गुड. नेक्स्ट देखिए, रिसेंटली सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स ऑब्जर्व इट्स डैश फाउंडेशन डे ऑन 27 जुलाई. हाल ही में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल ने 27 जुलाई को अपना डैश स्थापना दिवस मनाया है. 86th, 84th, 96th and 83rd बताएंगे. सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स ने अपना कौन सा फाउंडेशन डे मनाया 27 जुलाई को? सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, दैट इज 83rd फाउंडेशन डे मनाया गया है. ठीक है, सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर. यस ताने, राइट, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा. प्रवीण, प्रियांशी, राइट, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर. चल आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखेंगे. सो गाइज, ये तो हमने प्रीवियस डे का रिवीजन कर लिया है. अब हम आज की न्यूज़ देखेंगे एंड उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे. तो लास्ट सेशन में बने रहिएगा. इसके अलावा गाइज, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए. वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए. चलिए, सो IMF स्लैश्ड इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ फोरकास्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर 22 to 9.5%. IMF ने जो इंडिया का पहले इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोजेक्शन था उसको 300 बेसिस पॉइंट्स से कम कर दिया है. अभी ये कितना हो गया? अभी 9.5% कर दिया गया है 2022 के लिए. पहले ये कितना किया था? 12.5% था. ठीक है, सो अब जो IMF ने जो प्रोजेक्ट किया है इंडिया के इकोनॉमिक, उन्होंने कहा कि 2023 में 8.5% जो है ये ग्रो करेगी. और जो ग्लोबल आपका ग्रोथ फोरकास्ट है, दिस विल रिमेन अनचेंज एट 6% फॉर द फाइनेंशियल 2021. ठीक है, इट हैज़ ऑल्सो प्रोजेक्टेड द ग्लोबल इकोनॉमी टू ग्रो बाय 4.9% इन 2022. सो उन्होंने कहा कि जो आपका भारत का इकोनॉमी है ये आपका 4.9% से ग्रो करेगा इन 2022. और जो चाइना का ग्रोथ फोरकास्ट है ये कट कर दिया गया है ये 0.3% से. सो देखिए, यहाँ पर जो IMF ने प्रोजेक्ट किया है इंडिया का फाइनेंशियल 2022 के लिए GDP ग्रोथ है ये 9.5% किया है. वर्ल्ड बैंक ने 8.3% किया है. OECD ने 9.9% किया है. और ADB ने 10% प्रोजेक्ट किया है. और IMF का अदर कंट्रीज़ का अगर हम प्रोजेक्शन देखें तो चाइना का इसने बताया है 8.1%, US का 7%, UK अगेन 7%, स्पेन 6.2%, वर्ल्ड का 6% से ग्रो करेगा, फ्रांस 5.8%, जर्मनी 3.6% एंड जापान 2.8%. और भारत का ज़्यादा है इसमें, चाइना से भी ज़्यादा प्रोजेक्ट किया गया है. राइट, सो अकॉर्डिंग टू IMF द ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स इन इमर्जिंग मार्केट्स एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज विल रिमेन लो. तो डेवलपिंग इकोनॉमीज और जो इमर्जिंग मार्केट है इसमें ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट थोड़े कम रहेंगे 2021 के कंपैरिजन में. सो इंडियाज इकॉनमी वर्ल्ड बैंक ने प्रोजेक्ट की थी कि ये 8.3% से ग्रो करेगी 2021 में और 7.5% से ग्रो करेगी 2022 में. चलिए, सो क्वेश्चन देखिए, IMF स्लैश इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ फोरकास्ट फॉर फाइनेंशियल 22 फ्रॉम 12.5% टू डैश. IMF ने वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को 12.5% से घटाकर डैश कर दिया है. सो 9.5%, 8.2%, 7.8% एंड 10.2% बताएंगे. करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सर गाइस? फटाफट से बताइए. सो कितना फोरकास्ट किया है? सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए. यस प्रवीण, राइट, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज 9.5%. यस तान्या, राइट, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है. प्रियांशी, राइट. नेक्स्ट देखिए, इंटरनेशनल टाइगर डे ये हर साल आपका 29 जुलाई को मनाया जाता है ताकि जो टाइगर हैं उनको कंजर्व किया जा सके, उनके जो इश्यूज हैं उनको सपोर्ट किया जा सके उनको सॉल्व करने में. एंड मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि जो नेचुरल हैबिटेट है टाइगर्स का उसको प्रोटेक्ट किया जा सके ग्लोबली. सो ये 2010 में अडॉप्ट किया गया था ड्यूरिंग द सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट. ठीक है, जो सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट हुआ था उसमें इसको अडॉप्ट किया गया था कि हम 2010 से हम 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे मनाएंगे. एंड इंडिया ने प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में लॉन्च किया था भारत में ताकि हम टाइगर कंजर्व कर सकें. तो NTCA के अकॉर्डिंग, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के अकॉर्डिंग, अभी भारत में सिर्फ 2,967 टाइगर्स बचे हैं. तो टाइगर्स के लिए मेन थ्रेट क्या है? इनका हैबिटेट लॉस हो जाता है, क्लाइमेट चेंज, हंटिंग, पोचिंग, ये कुछ मेन थ्रेट्स हैं जिसकी वजह से जो टाइगर्स हैं उनकी क्या कहते हैं पॉपुलेशन जो है वो कम हो रही है. सो क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डेज सेलिब्रेटेड ऑन 29 जुलाई एवरी ईयर? सो वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, इंटरनेशनल टाइगर डे एंड वर्ल्ड पॉपुलेशन डे.
तो वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे ये आपका 28 जुलाई को मनाया जाता है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे आपका 11 जुलाई को मनाया जाता है, वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे अगेन 28 जुलाई को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, दैट इज इंटरनेशनल टाइगर डे। ठीक है, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए, यस, सो नेक्स्ट देखिए, इंडियन बैडमिंटन प्लेयर नंदू नाटेकर, इनका हाल ही में निधन हो गया है। ये पहले इंडियन थे जिन्होंने इंटरनेशनल टाइटल जीता था 1956 में, एंड इसके अलावा सिलांगिर इंटरनेशनल जो है मलेशिया में इन्होंने 1956 में जीता था। इसके अलावा इनको अर्जुना अवार्ड से सम्मानित किया गया था 1961 में, एंड इसके अलावा इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था कॉमनवेल्थ गेम्स में जो जमैका में हुए थे 1965 में। तो इन्होंने काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूट किया है, एंड इसके अलावा इन्होंने सिंगल्स जो 16 सिंगल मैचेस थे उसमें से 12 जीते थे, डबल्स में 16 में से 8 ही जीत पाए। जब थॉमस कप हुआ था बिटवीन 1951 एंड 1963, थॉमस कप आपको पता है कौन से गेम से रिलेटेड है, दिस इज रिलेटेड टू बैडमिंटन कॉम्पिटिशन, वर्ल्ड मेन्स टीम चैम्पियनशिप इसको कहते हैं। सो क्वेश्चन देखिए, नंदू नाटेकर रिसेंटली पास्ड अवे, ही वॉज एन इंडियन डैश प्लेयर, बैडमिंटन, फुटबॉल, हॉकी एंड क्रिकेट, बताएंगे, बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, दैट इज बैडमिंटन। यस तान्या करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यस प्रवीण, प्रियांशी राइट ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, यस ब्रूटल गेमर राइट ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने एससीओ कॉन्क्लेव जो दुशानबे में हुआ था, विच इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ ताजिकिस्तान, उसको अटेंड किया। 27 जुलाई को वो दुशानबे पहुँचे ऑन द 3 डे विजिट, और इसी के दौरान इन्होंने जो डिफेंस मिनिस्टर्स का कॉन्क्लेव था ऑफ द मेंबर स्टेट्स ऑफ एससीओ उसको अटेंड किया। चाइना के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वी फेंगे, इन्होंने भी एससीओ मीटिंग को अटेंड किया। ताजिकिस्तान इस बार चेयरमैन है एससीओ का, हर साल चेयरमैनशिप रोटेट होती है, तो इस साल ताजिकिस्तान चेयरमैन है। सो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हमारे एलजे शंकर, पहले इन्होंने दुशानबे विजिट किया था जब फॉरेन मिनिस्टर्स का कॉन्क्लेव हुआ था, तब उन्होंने अटेंड किया था 14 जुलाई को। अभी डिफेंस मिनिस्टर्स का कॉन्क्लेव हो रहा है एससीओ के, वहाँ पर अटेंड किया है राजनाथ सिंह ने। एससीओ की हम बात करें तो इसका क्रिएशन 2001 में अनाउंस किया गया था बाय द लीडर्स ऑफ 6 नेशंस। करेंटली इसमें 8 सदस्य हैं, इंडिया और पाकिस्तान ने इसमें जून 2017 में ज्वाइन किया था। अदर 6 मेंबर्स में चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान है। पहले जो 5 हैं इन्होंने इसकी शुरुआत की थी, इनको शंघाई 5 के नाम से जाना जाता था, ठीक है, शंघाई 5 के नाम से इनको जाना जाता था। फिर उज्बेकिस्तान जुड़ा तो इसका नाम एससीओ हो गया। फिर 2017 में इंडिया और पाकिस्तान भी इसमें जुड़ गए। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, बीजिंग चाइना में है, और व्लादिमीर नोरोव जो है करंटली इसके सेक्रेटरी जनरल हैं। चलिए क्वेश्चन देखेंगे, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, इन्होंने कॉन्क्लेव अटेंड किया है ऑफ शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इन द दुशानबे, द कैपिटल सिटी ऑफ डैश, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान, बताएंगे किसकी कैपिटल सिटी में इन्होंने भाग लिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डैश की राजधानी दुशानबे में शंघाई सहयोग संगठन के एक सम्मेलन में भाग लिया है। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, दैट इज ताजिकिस्तान। यस तान्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रवीण यस ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, प्रियांशी राइट। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, पार्लियामेंट पासेस जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अमेंडमेंट बिल 2021। संसद ने किशोर न्याय, बच्चों की देखभाल संरक्षण संशोधन विधेयक 2021 पारित किया है, एंड इसने जो 2015 का एक्ट था उसको अमेंड किया है। इसमें जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होंगे एडीएम को मिलाकर, तो वो अडॉप्शन ऑर्डर्स यहाँ पर जल्दी इशू कर सकते हैं ताकि जो भी केसेस हैं उनका फटाफट से डिस्पोजल हो सके और अकाउंटेबिलिटी जो है, जो जवाबदेही है, ये बढ़ सके। सो ये जो अमेंडेड प्रोविजन्स है इसमें दिया हुआ है कि कोई भी चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन जो है, दिस विल बी रजिस्टर्ड ओनली आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। जब डीएम जो होते हैं, जब वो रिकमेंड कर देंगे, उसके बाद ही कोई भी चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन जो है उसका रजिस्ट्रेशन हो सकता है, पंजीकरण हो सकता है। सो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कैन नाउ इंडिपेंडेंटली इवेल्युएट द फंक्शनिंग ऑफ डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स, चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज, जुबिनाल जस्टिस बोर्ड एंड चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन। तो जिला मजिस्ट्रेट अब स्वतंत्र रूप से जिला बाल संरक्षण इकाइयों, बाल कल्याण समितियों, किशोर न्याय बोर्डों और बाल देखभाल संस्थानों के कामकाज का मूल्यांकन कर सकते हैं, तो इससे जवाबदेही बढ़ेगी।
सो जो एलिजिबिलिटी पैरामीटर्स हैं CWC मेंबर्स के अपॉइंटमेंट के लिए, उसको भी इसमें फिर से लिखा गया है कि कौन कौन बन सकता है यहाँ पर मेंबर CWC का। सो इस बिल का ऑब्जेक्टिव यही है कि जो भाई वल्नरेबल चिल्ड्रन हैं, ठीक है, जो असुरक्षित बच्चे हैं, सो उनको सुरक्षा प्रदान की जा सके, उनको प्रॉपर केयर प्रदान की जा सके। सो क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल 2021। तो ये 2013 वाले बिल को रिप्लेस करेगा एंड इसने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ऑथराइज किया है, इंक्लूडिंग एडिशनल ADM टू इशू अडॉप्शन ऑर्डर्स फॉर स्पीडी डिस्पोजल ऑफ केसेस एंड टू एनहेंस अकाउंटेबिलिटी। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू एंड नन ऑफ द अबव, बताइए। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, दैट इज टू ओनली। क्यों? क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। ये 2015 वाला जो बिल आया था, जो एक्ट आया था, उसको ये रिप्लेस करेगा, ना कि 2013 वाले को। यस तान्या, राइट, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यस प्रियांशी, राइट, सी नहीं होगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा प्रियांशी। चलिए नेक्स्ट देखिए, वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे, ये आपका हर साल 28 जुलाई को मनाया जाता है। तो जैसा हम जानते हैं कि हमारे जो नेचर है उसमें जितने भी रिसोर्सेस हैं उनको कंजर्व करने के लिए, एनिमल्स, ट्रीज जो भी हैं वो ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन है, तो उनको कंजर्व करने के लिए ये दिन आपका मनाया जाता है। तो इस दिन हम क्या स्टेप्स ऐसे ले सकते हैं अपने नेचर को बचाने के लिए, जैसे हम ट्रीज को प्लांट कर सकते हैं, हम प्लास्टिक का यूज़ को कम से कम कर सकते हैं, बिजली बचाइए, पानी बचाइए, ई वेस्ट को चेक करिए। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो आप ले सकते हैं अपने एनवायरनमेंट को कंजर्व करने के लिए। सो क्वेश्चन देखिए, वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे ये हर साल कब मनाया जाता है, 27 जुलाई, 29 जुलाई, 28 जुलाई एंड 26 जुलाई, बताइए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, दैट इज 28 जुलाई, 28 जुलाई को ये मनाया जाता है। यस तान्या, प्रियांशी, राइट, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यस ब्रूटल गेमर, राइट, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, बिहार टू सेट अप इट्स फर्स्ट स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। बिहार की लेजिस्लेटिव असेंबली ने, विधानसभा ने एक बिल पास किया है जिसमें कहा गया है कि एक पहली जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है स्टेट में, उसको एस्टैब्लिश किया जाएगा। जितने भी स्पोर्ट्स रिलेटेड इंस्टीट्यूशन हैं, ट्रेनिंग सेंटर हैं, फिजिकल एजुकेशन के कॉलेज हैं, उनको इस यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएट किया जाएगा। सो ये छठा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी होगा हमारे पूरे भारत का, और बिहार का बोले तो पहला होगा। तो अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि अभी जो ये फर्स्ट स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी सेटअप की जाएगी, ये राजगीर में सेटअप की जाएगी, और जो एक तिहाई सीट्स हैं इसमें, 1/3 जो सीट्स हैं, ये महिलाओं के लिए रिजर्व की जाएंगी, आरक्षित की जाएंगी। सो द बिल वॉज प्रिपेयर्ड बाई अ टीम ऑफ ऑफिशियल्स ऑफ आर्ट, कल्चर एंड यूथ डिपार्टमेंट ऑफ बिहार गवर्नमेंट। बिहार असेंबली ने बिहार पंचायती राज बिल 2021 भी जारी किया है, ताकि जो एडवाइजरी कमेटी होती है पंचायत की, इनका जो कार्यकाल है, जो टेन्योर है, उसको बढ़ाया जा सके। बिहार की बात करें तो ये ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में लोकेटेड है। ये अपना बॉर्डर उत्तर प्रदेश, नेपाल, वेस्ट बंगाल, झारखंड के साथ शेयर करता है। गंगा इसको दो भागों में बांटती है। थर्ड लार्जेस्ट स्टेट है ये पॉपुलेशन के टर्म्स में, और 12th लार्जेस्ट है इन टर्म्स ऑफ टेरिटरी, क्षेत्रफल के हिसाब से। नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर है और फागू चौहान करेंटली बिहार के गवर्नर हैं। सो क्वेश्चन देखिए, विच स्टेट हैज़ रिसेंटली पास्ड अ बिल टू एस्टैब्लिश फर्स्ट स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इन द स्टेट। वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, मणिपुर एंड बिहार, बताएंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका गाइस, सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, दैट इज बिहार। ठीक है, बिहार में अपना जो है पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी अपने स्टेट में सेटअप करने जा रहा है। ये स्थानीय, राइट, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है प्रियांशी, राइट, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। यस अनूप, राइट, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान गवर्नमेंट लॉन्च मिशन निर्यातक बनो टू प्रमोट एक्सपोर्ट फ्रॉम स्टेट। तो राजस्थान सरकार ने इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट और राजस्थान की गवर्नमेंट की जो इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट है और जो स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन है, इन्होंने मिलकर मिशन निर्यातक बनो जो है इसको लॉन्च किया है, ताकि जो ज़्यादा चीज़ें हैं वो राजस्थान से एक्सपोर्ट की जा सके। तो जो लोकल ट्रेडर्स हैं, जो स्थानीय व्यापारी हैं, उनको रजिस्टर करना इसका मेन मिशन है, जो अपना बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं विदेश में भी, फॉरेन कंट्रीज में भी। सो इस कैंपेन में असिस्टेंस जो यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा टू लोकल ट्रेडर्स इन ट्रेनिंग, डॉक्यूमेंटेशन, रजिस्ट्रेशन इन राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल,
तो देखिए, जब आपका कुछ आप एक्सपोर्ट करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, ट्रेनिंग उनको चाहिए होती है, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन आप करते हो, ठीक है, रजिस्ट्रेशन करना होता है, क्या क्या उसमें प्रोसीजर होता है, वो सब चीज़ें वहाँ पर सिखाई जाएंगी उनको। एक्सपोर्टर असिस्टेंस कैंपेन जो है ये बेसिकली ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स पर भी फोकस करेगा, एंड नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर लोग के पास पैदा होंगी। जब एक्सपोर्ट होंगी चीज़ें तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट होंगी। सो मेनली राजस्थान से आपके हैंडीक्राफ्ट्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, स्टोन, एग्रो फूड प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल प्रोडक्ट, ये सारे एक्सपोर्ट होते हैं। तो इंडिया के अगर हम देखें जितना सामान एक्सपोर्ट होता है उसमें 2% जो शेयर है वो राजस्थान का है। सो क्वेश्चन देखिए, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड मिशन निर्यातक बनो टू एक्सपोर्ट, टू प्रमोट एक्सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट? राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश एंड कर्नाटका। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका गाइस। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, दैट इज राजस्थान। राजस्थान विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। यस तान्या करेक्ट आंसर है, प्रवीण, ब्रूटल गेमर, प्रियांशी, अनूप, यस ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वुमेन अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉल्स टू 4.2% इन 2019-20 फ्रॉम 5.1%। तो 5.1% से जो घट के अभी वुमेन अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.2% हो गया है। अभी पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जारी किया गया जो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSO के द्वारा जारी किया जाता है, कंडक्ट किया जाता है। सो इसमें बताया कि वुमेन का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है घट चुका है। तो वुमेन का जो शेयर है मनरेगा में फॉर 2019-20 ये इंक्रीज हो चुका है टू अराउंड 207 करोड़ परसेंट डेज। 2019-20 में जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट था वुमेन के लिए ये भी बढ़ा है, ये 24.5% से 30% हो चुका है। तो वुमेन में जो महिलाएं हैं उनमें एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं। करीब 1.2 करोड़ वे महिलाएं जो हैं इनको प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत बेनिफिट मिला है, जिसमें उनको लोन दिया जाता है, मुद्रा लोन दिया जाता है, तो वो अपना जो भी काम करना चाहते हैं उसमें उनको कंट्रीब्यूट करते हैं। सो गवर्नमेंट ने इसके अलावा आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना स्कीम लॉन्च की थी ताकि जो नए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगा उनको इंसेंटिवाइज किया जाएगा। सो यहाँ पर जो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं बाय द गवर्नमेंट टू इम्प्रूव द एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन, दीज आर द गवर्नमेंट हैज़ इंक्रीज मेटर्निटी लीव फ्रॉम 12 वीक्स टू 26 वीक्स। तो ताकि महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़े इसके लिए सरकार ने जो मेटर्निटी लीव है इसको 12 हफ्तों से बढ़ाकर 26 हफ्ते कर दिया है। और गवर्नमेंट अलाउड वुमेन टू वर्क इन दी अबव ग्राउंड माइंस, तो अंडरग्राउंड माइंस में ना करके जो अबव ग्राउंड माइंस जो होती हैं, जो आपकी शैलो माइनिंग होती है जिसमें आपका आराम से काम किया जा सकता है, तो वहाँ पे महिलाओं को काम करने का अलाउ कर दिया है। इसके अलावा जो वुमेन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, नेशनल वोकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है या रीजनल वोकल वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, इनके थ्रू वुमेन को ट्रेनिंग भी प्रदान की जा रही है। तो इस तरह से इनका जो पार्टिसिपेशन है वो आपका बढ़ रहा है। ठीक है, चलिए। सो अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे कंडक्टेड बाय द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, दी अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉर वुमेन हैज़ फॉलन टू डैश इन 2019-20 फ्रॉम 5.1%। सो 5.1% से गिरकर कितना हो गया है, 3.4%, 2.8%, 4.2% एंड 4.8%। बताइए फटाफट से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, जल्दी से बताइए कमेंट करके। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, दैट इज 4.2%। येस प्रियांशी राइट, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। तान्या, प्रवीण, येस राइट, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, चलिए। नेक्स्ट देखिए, यूनियन कैबिनेट ने कुछ चेंजेस अप्रूव किए टू डिपॉजिट इंश्योरेंस लॉज। तो जीवन बीमा जो डिपॉट से रिलेटेड जो आपके कानून है उसमें बदलाव किया गया है। बदलाव क्या किया गया है कि जो डिपॉजिट इंश्योरेंस लॉज है ये अपना फंड प्रोवाइड करेंगे टू अप टू ₹5 लाख टू एन अकाउंट होल्डर विद इन 90 डेज ऑफ बैंक बीइंग पुट अंडर मॉरेटोरियम। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि बैंक को स्थगन मेरिटोरियम के तहत, ठीक है, स्थगन मेरिटोरियम जो होता है उसके तहत रखे जाने के 90 दिनों के भीतर भीतर खाताधारक को ₹5 तक की धनराशि प्रदान करने के लिए जो है ये बदलाव किया गया है। तो अभी तक जो अकाउंट होल्डर्स थे उनको 1 साल के लिए वेट करना होता था जब तक कि उनका जो भी डिपॉजिट है, जो भी डिस्ट्रेस्ड बैंक्स में जो भी
डिपॉजिटर्स को लेने के लिए, लेकिन अभी जो है इसको कहा गया कि 90 डेज के अंतर्गत आपको रफा दफा मामला करना पड़ेगा। सो गवर्नमेंट ने इसके अलावा परमिशन दी है कि जो भी डिपॉजिट इंश्योरेंस प्रीमियम है इसको बढ़ा दिया जाए 20% से इमीडिएटली बाय मैक्सिमम टू मैक्सिमम 50%, इसको बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा बैंक्स जो है ये मिनिमम आपका 10 पैसा पे करते हैं ऑन एवरी 100 वर्थ ऑफ डिपॉजिट जो भी यहाँ पे डिपॉजिट किया जाता है टू द CGC एज अ प्रीमियम फॉर द इंश्योरेंस कवर। सो इसको अब बढ़ा के 12 पैसे कर दिया गया। पहले यहाँ पे इंश्योरेंस कवर के लिए जो प्रीमियम दिया जाता है वो 10 पैसा बैंक के द्वारा दिया जाता है फॉर एवरी रुपीज 100 वर्थ, अभी बढ़ाकर 12 पैसे कर दिया गया है। सर गवर्नमेंट हैज़ प्लान टू इंट्रोड्यूस द डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन बिल 2021 इन द करेंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट। तो अभी जो करंट सेशन चल रहा है पार्लियामेंट की उसमें उन्होंने सोचा है कि चालू वित्त वर्ष में एक ये बिल इससे रिलेटेड लेके आया जाए। सो प्रपोज लॉ जो है ये आपका प्रोस्पेक्टिवली इम्प्लीमेंट होगा, रेट्रोस्पेक्टिवली होगी, यानी कि ये पूर्व से लागू नहीं किया जाएगा, अभी करंट से इसको लागू किया जाएगा, ठीक है। सो हाउ इट विल कवर बैंक्स ऑलरेडी अंडर मॉरेटोरियम, तो मॉरेटोरियम के अंतर्गत जितने भी बैंक है उनको जो ऑलरेडी कवर्ड है उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा। सो DICGC वुड कलेक्ट ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट डिपॉजिट अकाउंट्स विद इन द 45 डेज ऑफ बैंक बींग पुट अंडर मॉरेटोरियम। तो कोई भी बैंक है उसको मॉरेटोरियम में जब पुट किया जाएगा तो उसके 45 डेज के अंतर्गत जितने भी डिपॉजिट अकाउंट्स की इन्फॉर्मेशन है वो सारी यहाँ पर दी जाएंगी बाय द बैंक, ठीक है। फिर इसके बाद अगले 45 डेज में जो इन्फॉर्मेशन है इसको रिव्यू किया जाएगा और जितने भी डिपॉजिटर जितने भी लोगों ने अपना पैसा उसमें जमा किया उसको वापस दिया जाएगा, ठीक है। सो अ डिपॉजिटर कैन क्लेम अप टू अ मैक्सिमम ऑफ ₹5 लाख पर अकाउंट एज इंश्योरेंस कवर इवन इफ द डिपॉजिट इन देयर अकाउंट फार एक्सीड्स ₹5 लाख। तो यहाँ पे कहा गया कि अगर आपका डिपॉजिट में मान लीजिए 5 लाख से ऊपर की भी राशि है तो भी आप जो क्लेम कर सकते हैं यहाँ पर इंश्योरेंस कवर के तौर पर वो 5 लाख ही कर सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है। आ रही बात समझ में ये चीज़, ठीक है। तो मॉरेटोरियम क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है, ये आपका कोई भी एक्टिविटी है उसमें अगर वो कुछ डिले हो रहा है सस्पेंशन हो रहा है तो उसको मॉरेटोरियम कहा जाता है, ठीक है। तो अब ये जो डिले है जो भी यहाँ पे जो सस्पेंशन है कोई भी डिले है इसको अब क्या किया जाएगा, अब इसको 90 डेज के अंतर्गत जो है इसको पूरा सेटअप किया जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो कई बार आपने देखा होगा कि बैंक्स को जो है मॉरेटोरियम के अंतर्गत पुट कर दिया जाता है तो उसी के लिए यहाँ पर जो है ये चीज़ लाई गई है। सो DICGC की हम बात करें, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन की, सो ये फुली ओन्ड सब्सिडरी है RBI की एंड दिस वॉज एस्टैब्लिश्ड इन जुलाई 1978 अंडर द डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन एक्ट ऑफ 1961। सो इसमें इंश्योर किया जाएगा जो डिपॉजिट है पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर बैंक में उसको इंश्योर करेगा, कहता है ये लोकल एरिया बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, रीजनल बैंक, जहाँ भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक्स हैं उसमें जो आपके डिपॉजिट हैं उनको ये इंश्योर करता है, ठीक है। तो ये फुली ओन्ड सब्सिडरी किसकी है, RBI की है। चलिए क्वेश्चन देखिए, एज पर चेंजेस टू डिपॉजिट इंश्योरेंस लॉस अप्रूव्ड बाय यूनियन कैबिनेट एन अकाउंट होल्डर विल बी प्रोवाइडेड फंड्स अप टू ₹5 लाख विद इन डैश डेज ऑफ बैंक बीइंग पुट अंडर मॉरेटोरियम। सो 30, 45, 60 and 90। तो मान लीजिए कोई बैंक है, कोई ए बैंक है, ठीक है, इसकी हालत ख़राब चल रही है, ठीक है, ये अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, इसको मॉरेटोरियम के अंतर्गत जो है पुट कर दिया गया इसका, यानी कि कुछ टाइम के लिए इसका सस्पेंशन कर दिया गया इसकी बैंकिंग एक्टिविटीज़ का, ठीक है। तो उस टाइम पर जो क्लेम है, जो डिपॉजिटर्स का क्लेम है, वो 90 डेज में सेटलमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यस राइट तान्या, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। यस राइट सचिन, राइट ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तान्या राइट ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखिए, फिलीपींस जो है पहला कंट्री बना है जिसने गोल्डन राइस को प्लांटिंग के लिए अप्रूव कर दिया है। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट, दिस इज द फर्स्ट कंट्री टू अप्रूव गोल्डन राइस फॉर प्लांटिंग। सो गोल्डन राइस को ऑलरेडी सेफ्टी, फूड सेफ्टी अप्रूवल तो मिल गए थे बाकी कंट्रीज़ में, लेकिन फिलीपींस जो है इसने कमर्शियल कल्टीवेशन को अप्रूव करने वाला पहला कंट्री बन गया है। सो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर फिलीपीन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने गोल्डन राइस को डेवलप किया है इन एसोसिएशन विद इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। सो इसमें क्या है, गोल्डन राइस में फ़ायदा क्या है, इसमें बीटा कैरोटीन का हायर लेवल है जो बॉडी में जाकर विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाता है, तो विटामिन ए की कमी यहाँ पर नहीं होगी।
सो अराउंड 190 मिलियन चिल्ड्रन अगर हम देखें पूरे विश्व भर में, तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से ये डील कर रहे हैं, जिसकी वजह से बचपन में ही उनकी जो है आंखें कमज़ोर हो जाती है, इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, अंधे भी हो जाते हैं बच्चे। सो गोल्डन राइस जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड है, इसमें अप टू 50% जो है एस्टिमेटेड एवरेज जो भी चाहिए एक यंग बच्चे के लिए, उसका 50% जो है यहाँ पर बीटा मतलब जो है फुलफिल ये आपकी हो जाएगी रिक्वायरमेंट। सो प्रोफेसर दो थे, इंगो पोट्रियुक्स एंड पीटर बायर, ये पहले बंदे थे जिन्होंने ये आइडिया लेकर आए थे गोल्डन राइस का लेट 1980s में। सो इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें तो ये इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च एंड ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन है, इसके हेडक्वार्टर जो है ये आपके लॉस बेनोस फिलीपींस में लोकेटेड है। विटामिन ए की हम बात करें, इसका केमिकल नेम रेटिनॉल होता है। डेफिशिएंसी डिजीज़ की, इसके डेफिशिएंसी डिजीज़ कौन सी होती है, कलर ब्लाइंडनेस एंड ज़ीरोथैलेमिया। मिल्क, एग, चीज़, ग्रीन वेजिटेबल, फिश लिवर ऑयल, ये इसकी कुछ कॉमन सोर्सेज हैं विटामिन ए के। तो विटामिन और उसकी डेफिशिएंसी का पूरा जो चार्ट है वो आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा, स्टडी मटेरियल सेक्शन में आप जाएंगे तो आपको दिख जाएगा। चलिए सो क्वेश्चन देखिए, विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री टू अप्रूव गोल्डन राइस फॉर प्लांटिंग, कौन सा देश रोपण के लिए गोल्डन राइस को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है, वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया एंड थाईलैंड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये गाइस। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, दैट इज फिलीपींस। ठीक है, फिलीपींस विल बी द करेक्ट आंसर। यस सचिन तानिया, राइट, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट ओलंपिक वुमेन्स स्ट्रीट स्केट बोर्डिंग गोल्ड वन बाय मोमजी निशा जस्ट एट द एज ऑफ 13। 13 साल की उम्र में आप इनका फोटो देख सकते हैं, इन्होंने जो वुमेन्स स्ट्रीट स्केट बोर्डिंग में गोल्ड जीत लिया है, ये पहले ही ओलंपिक वुमेन है जिन्होंने इसमें जीता और सिर्फ 13 साल की उम्र में इन्होंने जीत लिया है। सो ये यंगेस्ट गोल्ड मेडल विनर भी बनी है ओलंपिक गेम्स में, मतलब सिर्फ स्केट बोर्डिंग में नहीं, ओवरऑल भी अगर हम देखें तो यंगेस्ट गोल्ड मेडल विनर बनी है ये ओलंपिक गेम्स में। सो रायसा लियाल जो ब्राज़ील की हैं और नकायामा फूना जापान की, ये दो रनर अप रहे हैं। मर्जेरो गेस्ट्रिंग जो है यूएसए टीम की, एट द 1936 गेम्स इन बर्लिन वाज द यंगेस्ट गोल्ड मेडलिस्ट, एंड अब जो है यंगेस्ट कौन बन चुकी हैं, अब ये मोमजी निशा बन चुकी हैं। सो गेस्ट्रिंग एट वन गोल्ड वुमेन इन द वुमेन्स डाइविंग कॉम्पिटिशन, उनको डाइविंग कॉम्पिटिशन में उन्होंने गोल्ड जीता था। सो क्वेश्चन देखिए, हु हैज वन द फर्स्ट ओलंपिक वुमेन्स स्ट्रीट स्केट बोर्डिंग गोल्ड जस्ट एट द एज ऑफ 13, रायसा लियल, मोमजी निशा, नकायामा फूना एंड मार्जोरी गेस्ट्रिंग, बताएंगे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा गाइज इसका। यस राइट ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज मोमजी निशा। यस सचिन तान्या, प्रवीण, राइट ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रियांशी, यस ब्रूटल गेमर, राइट ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। सो गाइज यहाँ पर हमारा सेशन जो है फॉर रिलेटेड टू करंट अफेयर्स एंड होता है। अभी क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं। कल मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज अ ट्रांस हिमालयन रिवर, तो ऑप्शंस थे आपके झेलम, सतलज, गंगा एंड रावी। सो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज सतलज। ठीक है, सतलज नदी है जो आपकी ट्रांस हिमालयन रिवर है, इंडस नदी भी आपकी ट्रांस हिमालयन रिवर है। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। यस प्रवीण, प्रियांशी, ब्रूटल गेमर, सचिन, राइट ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे देखिए गाइज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट्स हैज स्टार्टेड पशु किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम इन ईयर 2020। 2020 में पशु किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम किसने लॉन्च किया था, गुजरात, हरियाणा, पंजाब एंड राजस्थान। सो गाइज सभी लोग जो आंसर हैं वो कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। सो सेशन हमारा एंड होता है, कल सुबह हम लोग मिलेंगे अगेन करंट अफेयर्स के सेशन में। तब तक अपना ध्यान रखिए एंड 9 बजे से आपका द हिंदू बुक ऐप का सेशन होगा, उसको अटेंड करिएगा। सो गाइज टेक केयर एंड थैंक यू वंस अगेन फॉर जॉइनिंग दिस सेशन।